मैं आपको बता देता हूं, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर मुद्दा चल रहा था उस वक्त मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ये लेकर कहा गया था कि वहां अरसलनाका इला रहमतुल्लाह आलमीन, इसका मतलब ये था कि वो जो है वो पूरी रहमत के लिए पूरी कायनात के लिए बन के आए थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब किसी मुसलमान के नहीं थे, वो देश में दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के थे। इस तरह की अजान से सर दर्द होता है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, तो दोबारा हमारी सरकार आएगी तो पहले जो है अजान लाउड स्पीकर से बैन होगा। तमाम मुद्दे पर चर्चा कर ले, खुद मोहित शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, मोहित जी किस तरह देख रहे हैं तमाम मुद्दे पर, आप अपनी राय रखते हैं, इस मुद्दे पर कैसे देख रहे हैं? आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना सर? देखिए मैं आपको बता दूं, देश में चुनाव करीब है और भाजपा वोट की गरीब है, ठीक है ना। और जब जब भाजपा वोट की गरीब होती है एक ही ऑप्शन बचता है हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, और यही काम अब करना शुरू हो गया कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अब ना ये बयान महाराष्ट्र से आ रहा क्योंकि अभी महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, ना ये बयान बंगाल से आ रहा क्योंकि बंगाल में भी कोई चुनाव नहीं है। अब चुनाव कर्नाटक की सरजमी पर है, इसलिए कर्नाटक की सरजमी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ईश्वरप्पा ने यह बयान दिया है ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े और इनको आपस में लड़कर वापस से भाजपा को वोट दे। क्योंकि जब जब जितना जितना हिंदू मरता है वो मरता सिर्फ भाजपा की सरकार में ही है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना भाजपा को वोट मिलेगा। इनका एक ही एजेंडा है सिर्फ हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में ये लिख कर गए हैं कि नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने स्वयं भगवान को पूज लिया। ठीक है, आप नर ही नारायण की बात कर रहे हैं, अब मुसलमानों के पक्ष रखते हैं, तमाम लोगों के पक्ष रखते हैं, तो क्या मुसलमानों के जो कुरान के कुछ आयतें याद है या कुछ है आपको याद? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपकी तरह कोई जाहिलियत वाला ज्ञान नहीं लेके चलता, मेरे पास में रामायण का भी ज्ञान है, गीता का भी ज्ञान है, और मेरे पास में जितना मैंने कुरान को पढ़ा उसका उतना भी ज्ञान है मेरे पास में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर मुद्दा चल रहा था उस वक्त मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ये लेकर कहा गया था कि वहां अरसलनाका इला रहमतुल्लाह आलमीन, इसका मतलब ये था कि वो जो है वो पूरी रहमत के लिए पूरी कायनात के लिए बन के आए थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब किसी मुसलमान के नहीं थे, वो देश में दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के थे। इसी तरीके से जो भगवान है वो सिर्फ हम हिंदुओं के नहीं है, आपके भी हैं। अगर आप राशिद खान हैं या राशिद कमाल हैं, आप जो भी हैं आपके भी भगवान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप अपने भगवान को जो है मस्जिद में ढूंढते हैं, मैं अपने भगवान को मंदिर में ढूंढता हूं। राम और रहीम एक हैं, और मैं आपको बता दूं ना राम गलत है ना रहीम गलत है, ना गीता गलत है ना कुरान गलत है, इनको बांटने वाले सियासती लोग गलत हैं, और इन सियासती लोगों को बदलना बेहद जरूरी है। अगर भारत देश की अस्मिता एकता और अखंडता को बचाना है तो स्वरपा जैसे लोगों को देश से भगाना है। सर वो तो कह रहे हैं कि एग्जाम का टाइम है, बच्चों को दिक्कत होता है, जरूरी थोड़ी लाउड स्पीकर से। मेरे भाई जब ये देश आजाद नहीं हुआ था उस वक्त से इस देश के अंदर मंदिर की आरतियां और मस्जिद की अजान होती आ रही है। क्या देश की आजादी के बाद से अगर अजान से बच्चों को दिक्कत हो रही है फिर तो 1947 से लेकर आज तक कोई पास ही नहीं हुआ होगा, बताइए ना आप मुझे, फिर तो सारे बच्चे फेल हो गए होंगे। ये सिर्फ एक इनलॉजिकल बयान है, इससे पहले भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के क्या कान में आके बजाया जा रहा है, ये बताइए ना आप मुझे। आज ये लोग इसलिए मस्जिद की अजान पर फोकस करे बैठे हैं, तमाम हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं कि मस्जिद की अजान पर आज इसलिए फोकस है क्योंकि आज इस देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। अगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती तो ये लोगों का टारगेट होती मंदिर की आरती, फिर ये लोग कहते हैं कि मंदिर की आरती से इनको दर्द हो रहा है। आज तो ये लोग मस्जिद की अजान को बंद करा रहे हैं, कल को ये मंदिर की आरती को भी बंद कराएंगे, फिर कहेंगे कि भैया इनको तो माथे पे लगे तिलक से भी तकलीफ है, मुसलमान भाई के सर पे लगी टोपी से भी तकलीफ है, भैया ये दाढ़ियों पर सवाल खड़े करते हैं, इन्हें ये नहीं पता कितनी दाढ़ी बड़े बड़े उलमाओं ने अपनी जान गंवा दी इस देश की आजादी में। जंगी आजादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान ने एक साथ लड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल हो चाहे इस्माकुल्ला खां हो, एक साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। मीर उस्मान अली को आप भूल जाएंगे, बहादुर शाह जफर को भूल जाएंगे, जब बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया बहादुर शाह जफर, जवाब देते हैं कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। आप हिंदुस्तान को बांट रहे हैं, आपकी औकात क्या है? सुन लीजिए, आपकी औकात क्या है, आपका लेवल क्या है? आप हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर, भारत देश की सरजमी पर रहकर राम और रहीम के बीच में दीवार पैदा कर रहे हैं। उस वक्त आप कहां थे जब यह देश अंग्रेजों का गुलाम बना बैठा था? उस वक्त आप कहां थे? जब आप कहां थे जब 1962 के अंदर में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, तब आप कहां थे? 1966 में ताशकंद समझौते में देश के प्रधानमंत्री को खो दिया हमने, उस वक्त आप कहां थे? अंग्रेजों से जब हम लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त आप कहां बैठे थे? 1972 में जब बांग्लादेश बना तब आप कहां बैठे थे? बताइए ना, आज आपको याद आ रहा है? आपकी कोशिश सिर्फ यह है कि राम और रहीम को लड़ाकर आपको कुर्सी मिल जाए, बस आप जितनी दीवार राम और रहीम के बीच में डालने की कोशिश करेंगे उतना मोहब्बत का पैगाम, सुन लीजिए, उतना मोहब्बत का पैगाम हम यहां से देंगे, ठीक है ना? क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि मुसलमान भाई भारत देश में नहीं रहते, हम हिंदू भाइयों के दिल में रहते हैं, और जब बात
इस देश के अंदर चाहे हिंदू की आएगी, मुसलमान की आएगी, सिख की आएगी, ईसाई की आएगी, लिखने वाले अब लिखेंगे कि मोहित शर्मा नहीं मोहित खान है। तो उनको जवाब दे दूं कि सरजमी पर रहकर इस भारत देश की मिट्टी और मुल्क पर रहकर अगर किसी सिख को किसी ने खालिस्तानी कहने की हिम्मत करी, मुसलमान को आतंकवादी या पाकिस्तानी कहने की हिम्मत करी, या हिंदू को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने की हिम्मत करी, उनको उनकी औकात याद दिला देंगे। उनकी औकात क्या है वो हमें बताएंगे कि हम कौन सी गैंग के मेंबर हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी किसी अंग्रेज के तलवे नहीं चाटे, अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों को भगाया। ये अंग्रेज इनको ऐसे बिठाते थे, ये माफी वीर सावरकर को मानने वाले लोग, माफीनामे लिखने वाले लोग, आज राम रहीम को बांटने वाले की बात करेंगे। इनको बहन बेटियां जो ढकी हुई हिजाब में रहती हैं इन्हें उनसे तकलीफ है। आज बहन बेटियों का हिजाब हटाने की बात कर रहे हैं तो कल को हिंदू बहन बेटियों का ये घूंघट हटाने की बात कहेंगे। अरे हमारे देश की परंपरा है कि बहन बेटियां घूंघट रख के चलती हैं, हमारे देश की परंपरा है कि मुसलमान जितनी भी औरतें हैं वो हिजाब पहनकर चलती हैं। स्कूल की बात कर रहे हैं ना, स्कूल में कह रहे हैं हिजाब, सारे लोग ड्रेस पहन के आए। अरे भैया ड्रेस पहन कर आए, एक बात आप मुझे बताइए, 47 से लेकर अब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बात आप मुझे बताइए, ये भगवा गमछा हमारे भाई स्कूल के अंदर डाल के जाते हैं, हम भी डाल के जाते थे जिस टाइम पे हम स्कूल में थे, हम डाल के चले जाते थे। गर्मी का वक्त शुरू हो गया है, हमारे गले में फिर गमछा आ गया, हम इस गमछे से भाई साहब गले में डाल के जाते हैं। कल को आप कहोगे ये गमछा उतार दो, क्यों उतार दो? परसों आप कहोगे कि तिलक लगा के मताओ, तरसों आप कहोगे मुसलमान से टोपी लगा कर मताओ, परसों आप फिर कहोगे सिख भाइयों से कि पग मत बांध के आओ। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, क्या योगदान है तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर, क्या योगदान है भारत देश को आजाद कराने में? तुम आज जिन हिंदुओं की बात करते हो हैं, उनों के घर उजड़वाते हो तुम हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी, तुम्हारी अजानकी से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी पार्टी के जो नेता मुसलमान दामाद हैं उनके लिए क्या कहोगे? जब बेरोजगारी से प्रदर्शन करता युवा सड़कों पर उतरता है तब आपके कानों में दर्द नहीं होता? जब देश का नौजवान भूख से बिलखते हुए सड़क पर मर जाता है तब आपके कान में दर्द नहीं होता? करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, आपके कान में दर्द नहीं होता? महंगाई से देश करा रहा है, आपके कान दर्द नहीं होता? बहन बेटियां 1100 के सिलेंडर से करा रही हैं, आपके कान में दर्द नहीं होता? ऐसा कौन सा कान है आपका जिस कान को दर्द सिर्फ अजान से ही होता है, और जिसको मस्जिद की अजान से दर्द होता हो या मंदिर की आरती से तकलीफ होती हो? तो भैया बगल वाला मुल्क है खाली, चले जाए पाकिस्तान, वहां जाकर रहे, ठीक है ना? क्योंकि इस भारत देश में रहकर राम और रहीम को बांटने का प्रयास करेंगे तो यही बता रहे हैं, जब बात इस देश की मिट्टी को तोड़ने की आएगी तो सौगंध इस मातृभूमि की घर के अंदर घुस के मारा जाएगा उन लोगों को जो मातृभूमि के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, जो इस मुल्क को बांटने का प्रयास करेंगे। सौगंध अपनी मातृभूमि की खाता हूं। जिस प्रकार से हमारे घर से आर्मी के अंदर है, हम मिट्टी के टुकड़े करवा लेंगे, हम अपने देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवा लेंगे। राशिद भाई एक बात कहते थे आज आपसे, ठीक है ना, और आज इस बात को लेकर दिल को बहुत ठेस पहुंचती है कि भारत देश के अंदर भाइयों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अरे आप लड़िए, फिर दिखाएंगे आपको कि मोहित शर्मा का सीना 56 इंच का कैसे होता है, ठीक है ना? फिर दिखाएगा आपको इस देश का मुसलमान कि उसका सीना 56 इंच का कैसे है, फिर दिखाएंगे हम आपको। आप एक बार लड़िए तो अमेरिका से पाकिस्तान से, आप देश के लोगों को लड़ाते हैं, हमें तकलीफ होती है। ये मातृभूमि के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दे दी, इस मिट्टी को आजाद कराने में, सुन लीजिए, इस मिट्टी को आजाद कराने में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी का फंदा झूल गए, ठीक है? अशफाकुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी शहीदी दे दी, फांसी का फंदा झूल गए। आप इस मिट्टी को, आपको समझाने के लिए इस मिट्टी को दोबारा गुलाम बनाए तब आप समझेंगे। आप राजनीति करिए, एक राजनेता का काम है राजनीति करने का, बिल्कुल राजनीति करिए। मैं कहता हूं राजनीति के अंदर मंदिर और मस्जिद कहां से आता है? क्या हम लोग 47 से लेकर आज तक एक साथ नहीं रह रहे थे? आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होता है कि हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है, हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है? कहीं कोई कह देता है कि भैया ये मस्जिद नहीं, ये तो मंदिर हुआ करता था। आज न्यायपालिका के पास क्या यही समय है कि वो यही जांचती फिरती रहे कि कौन सी मंदिर है और कौन सा मस्जिद है? इतने बलात्कारी खुलेआम घूम रहे, उनको सजा कौन देगा? ठीक है, अभी जो हाल ही में इतने लोग बयान दे रहे हैं, किसी को हिंदू राज चाहिए, कोई कह रहा है मुस्लिम राज चाहिए, कोई कह रहा है खालिस्तान राज चाहिए, तो उनको क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं? जिसको जौन सा राष्ट्र चाहिए ना, अपना घर तोड़वा के अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवा ले, ठीक है, और अपने घर की नेम प्लेट पर लिखवा ले हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना? लेकिन अगर आप भारत के अंदर रहकर संविधान वाले राष्ट्र के अलावा किसी और राष्ट्र की मांग करेंगे तो किसी और मुल्क में अपनी नागरिकता ले लीजिए। ये कोई रहन बसेरा नहीं खुला हुआ कि कोई भी आएगा और आकर कहेगा हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, या हमें सिख राष्ट्र चाहिए, हमें ईसाई राष्ट्र चाहिए। भारत है, भारत है, भारत में रहो, रहना है तो संविधान की गरिमा से रहो, संविधान की मर्यादा में रहो। संविधान की मर्यादा से बाहर निकलोगे तो आपकी जगह भारत से बाहर होगी, नहीं तो भारत के जेल के अंदर होगी। भारत देश का संविधान सबको एक समान अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जितने बीजेपी के नेता पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा डिग्रियां ले लेके बैठे थे, ठीक है ना? तब जाके इस देश का संविधान बनाया। कोई अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति आकर, कोई 25-26-27 साल का लौंडा आकर ये नहीं बताएगा कि कौन सा राष्ट्र बनेगा और कौन सा नहीं। बाबा है वो
मैं आपको क्या कहता हूँ, बाबा हैं या कौन से बाबा हैं वो अच्छी तरीके से बताए, ठीक है। कोई बाबा ये काम नहीं करते। एक बात बताइए, इस देश की भूमि पर इतने बड़े बड़े साधु और महात्मा पैदा हुए हैं, आप क्या समझते हैं हम इन परेशानियों से डरेंगे? आज ये लोग जो चंद लोग आकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो राष्ट्र बना देंगे, मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनसे सब्जी नहीं खरीदो, तो पंचर नहीं बनवाओ। भाजपा वालों से कहो ना अपने दामाद छोड़ दें पहले, भाजपा वालों से कहो अपने दामाद छोड़ दें, दामाद लाओगे मुसलमान टोपी वाला, फिर कहोगे इनका बहिष्कार करो, कैसे करें? पंचर भी नहीं लगवाना है मुसलमानों से, पंचर भी नहीं लगवाना है। तो पंचर नहीं लगवाओगे तो क्या, पंचर लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बैठेगा सड़कों पर? पंचर क्या मुसलमान लगा रहा है, हिंदू भी लगाता है पंचर? जिसके पास काम नहीं, हर एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में ले रहा है, सबको तो बेरोजगार कर दिया आपने, पंचर भी कहाँ लग रहा है? ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं आराम से, अपने आप सब काम हो जाता है, पंचर कौन से लग रहा है? ये लगाते हैं क्या भाजपा ही पंचर? वैसे इनकी औकात पंचर लगाने की भी नहीं है, इनकी सत्ता क्या गई, इनको कोई पंचर भी नहीं लगाने देगा। उल्टा जहां ये पंचर की दुकान खोल के बैठेंगे ना, एक है ना हमारे देश में, देखा नहीं उनको चाय बेचते थे, देश बेच दिया, कर कर ऐसे ही उनका कमाल है भाई साहब। अखंड भारत अमृत काल आ गया मोदी। अखंड भारत जिस दिन बना दिया ना, तो पता चला इंडिया गेट घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली को घुमाने के लिए, तालिबान तोप लहरा रहा है, घुमा लोगे अखंड भारत? जाके पूछो तालिबान से कि हिंदुस्तान में मिला रहे हैं, अखंड भारत बना रहे हैं, बेहुदा बयान जो मुंह में आया। आखिरी सवाल है, मोहित शर्मा को दिक्कत नहीं है अजान आरती मंदिर में? मेरे भाई, मेरे भाई क्यों दिक्कत होगी? मेरे घर के अंदर मेरा सूर्य उदय होता है मंदिर की आरती के साथ, मेरा सूर्य उदय होता है मंदिर की आरती के साथ। आज आप अजान को कह रहे हैं तो कल को कोई मेरे घर के सामने के मंदिर की आरती को बंद कराएगा? ऐसे कैसे बंद होने देंगे? ये हमारे देश की संस्कृति है, एक हमारे देश की आधार है, इस आधार को नहीं मिटने देंगे। इस देश की खूबसूरती दिवाली और रमजान की एक साथ में है।